आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाने के संक्षिप्त विवरण को बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको लुका के सुसमाचार के 22 अध्याय के 47 वचन से 23 अध्याय के 56 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम समय में थे, तो वे अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक जगह पर आए और अपने चेलों से कहने लगे, यहीं बैठे रहो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब प्रभु यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को आगे ले जाकर उनसे कहने लगे कि मेरा मन उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तब प्रभु आगे जाकर मुंह के बल गिरे और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में उन्होंने 3 बार परमेश्वर पिता से यह विनती की कि हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। जब वह प्रार्थना करके वापस लौटे, तो उन्होंने अपने चेलों को सोता हुआ पाया और वो कहने लगे कि जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रियो, गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की, वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन की हृदय विदारक प्रार्थना थी, क्योंकि इस प्रार्थना को करते समय प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा था। प्रियो, प्रभु जानते थे कि क्रूस की राह कितनी कठिन और दर्द से भरी है, इसलिए उन्होंने परमेश्वर पिता से विनती की कि हो सके तो यह प्याला मुझ पर से टल जाए। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु ने वहां भी अपनी नहीं, लेकिन अपने भेजने वाली परमेश्वर पिता की इच्छा को सर्वोपरि रखा। वैसे ही प्रियो, हम विश्वासियों को भी चाहिए कि यदि परमेश्वर की इच्छा का पालन करते समय हमें दुख भी उठाना पड़े, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि जब वह अपने चेलों से बातें कर ही रहा था, तो प्रधान याजकों, फरीसियों और सैनिकों का एक दल दीपक, मशाले और हथियार लिए हुए वहां आए। यीशु के पकड़वाने वालों में यहूदा इस्करियोती भी था, जिसने 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला था, और उसने फरीसियों से यह कहा था कि जिसे मैं चुंबन करूं वही प्रभु यीशु मसीह होगा। तब हम देखते हैं प्रियो कि जब वह भीड़ प्रभु के पास आई, तो यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को बहुत चुमने लगा। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे शीघ्र कर ले। जब सैनिक प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो पतरस ने उनमें से एक का कान काट डाला। जिसका कान काटा गया था उसका नाम मलखुस था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका कान छूकर उसे अच्छा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर यह भी कहा कि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट हो जाएंगे। पतरस से प्रभु ने कहा कि क्या तू नहीं जानता, मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक यहाँ भेज देगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह सब इसलिए होने दिया क्योंकि उसे मनुष्य के उद्धार का काम पूरा करना था। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, और प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाने लगे। तब महायाजक प्रभु से पूछता है कि तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। तब प्रभु यीशु मसीह उस महायाजक से कहते हैं कि तूने आप ही कह दिया, वरन मैं यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यह सब सुनकर उस महायाजक ने अपने कपड़े फाड़े और कहने लगा कि इसने परमेश्वर की निंदा की है और यह वध होने के योग्य है। तब वहां खड़े लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका, उसे घूसे मारे और उसे थप्पड़ मारकर उसका मजाक उड़ाने लगे। तब इसके बाद याजकों की सारी सभा प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाती है।
जब वह पिलातुस के पास पहुंचे तो पिलातुस ने प्रभु से पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है। तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू आप ही कह रहा है। उसी समय प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस प्रधान याजकों से कहता है कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, परंतु प्रधान याजक लोग उस पर दोष लगाते रहे। पिलातुस ने यह सब देखकर प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस के पास भेज दिया। जब प्रभु यीशु मसीह हेरोदेस के पास पहुंचे तो हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था। तब हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह से बहुत सी बातें पूछता रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और उसे भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास भेज दिया। जब वह फिर पिलातुस के पास आए तो पिलातुस प्रधान याजकों और लोगों से कहता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह में कुछ भी दोष नहीं पाया और ना हेरोदेस ने। तब पिलातुस उनसे कहता है कि मैं यीशु को कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूँ। तब सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए, लेकिन प्रधान याजक और यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिलातुस के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। पिलातुस के सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाए और उसके बाद कांटों का मुकुट गूंथकर यीशु के सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाया तथा उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस बाहर निकलकर फिर लोगों से कहता है कि देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैंने उस पुरुष में कुछ भी दोष नहीं पाया। तब पिलातुस यीशु को कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकालता है। जब प्रधान याजकों और लोगों ने उसे देखा तो वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि पिलातुस पर्व के समय किसी एक कैदी को छोड़ दिया करता था। उस समय उनके यहाँ बर्रब्बा नामक एक माना हुआ कैदी था। तो पिलातुस ने उनसे पूछा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ दूँ, बर्रब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्योंकि वह जानता था कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को डाहा से पकड़वाया है। तब प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बर्रब्बा को मांग लें। तब हाकिम ने उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूँ। तब लोगों की भीड़ बर्रब्बा का नाम पुकारने लगी। तब पिलातुस ने उनसे पूछा, तो फिर इस यीशु का मैं क्या करूँ। प्रियो, तब सब लोग पुकार कर कहने लगे कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मांग रही है, तो पिलातुस ने भीड़ के सामने पानी लेकर अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब सब लोगों ने कहा, इसका लहू हम पर और हमारे संतान पर हो। तब प्रियो, पिलातुस ने बर्रब्बा को छोड़ दिया और यीशु को सौंप दिया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि रोम के सिपाही प्रभु यीशु मसीह को किले में से उस पहाड़ी पर जो खोपड़ी कहलाती है ले जाने लगे और एक भारी क्रूस प्रभु के कांधों पर रख दिया और उसे नगर में से मारते हुए उस पहाड़ी पर ले जाने लगे। तब मार्ग में उन्होंने शैमोन नामक कुरैनी मनुष्य को पकड़ा और उस पर प्रभु का क्रूस लाद दिया, क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह इतने घायल हो चुके थे कि उनसे वह भारी क्रूस लेकर चलते भी नहीं बन रहा था। तब सिपाहियों ने शैमोन कुरैनी को पकड़कर उसे यीशु का क्रूस उठाने के लिए दे दिया। मार्ग में बहुत सी स्त्रियां थीं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए बिलख बिलख कर रो रही थी और छाती पीट रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब वे लोग खोपड़ी नामक पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े उतार कर उसे क्रूस पर लिटा दिया और उसके हाथों और पांवों को किले से क्रूस पर ठोक दिया और उस क्रूस के ऊपर यह लिखवा दिया कि यीशु यहूदियों का राजा है। और यही नहीं प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह को अपमानित करते हुए दो डाकुओं को, एक को प्रभु के दाईं ओर तथा दूसरे को प्रभु के बाईं ओर लटका दिया। तब जो सिपाही वहां पर थे उन्होंने चिट्ठियां डालकर प्रभु यीशु मसीह के कपड़े आपस में बांट लिए और वे प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उस समय प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम, मरियम मगदलीनी और यहुन्ना वहीं क्रूस के पास खड़े थे और बाकी चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर पहले ही भाग चुके थे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तो उन्होंने क्रूस पर से यह कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों के लिए की थी जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वाणियां कहीं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में मनन करेंगे। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तब उनकी पीड़ा हमारी कल्पना से परे थी क्योंकि उस समय क्रूस एक अपमानजनक और श्रापित सजा थी। क्योंकि प्रियो, वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि श्रापित है वह जो काठ पर लटकाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष व निष्पाप थे लेकिन उन्होंने हम सब का पाप अपने ऊपर ले लिया। वह जो पाप से अज्ञात था लेकिन हमारे लिए पापी बना कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता की दास बन जाए। प्रियो, आप कल्पना करके देखें कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए और हमारा मेल परमेश्वर से कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ निंदा सही बल्कि उस पर थुका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसे कांटों का ताज बनाया गया और यही नहीं प्रियो, उसे वो कोड़े मारे गए जो शरीर का मांस तक खींच लेते थे। इतना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे लिए सहा। प्रियो, इन सब बातों को जानने के बाद भी यदि आप पाप करते रहोगे तो लानत है आपकी ऐसी जिंदगी पर जो आप प्रभु यीशु मसीह की उस पीड़ा और क्रूस की श्रापित मृत्यु का महत्व नहीं समझ पाए। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप उस क्रूस की ओर देखें जिस क्रूस पर हमारा यीशु मसीह मरा था। उसने वो मृत्यु सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सही। प्रियो, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत सारी डिमांड प्रभु के सामने रखते हैं। हम बहुत सी सांसारिक चीज़ों को मांगते हैं लेकिन क्या कभी आपने प्रभु यीशु मसीह से उसकी उस क्रूस की पीड़ा का अनुभव मांगा है? क्या आपने वो दर्द, वो अपमान मांगा जो प्रभु ने सहा? क्या कभी हमने प्रभु का दर्द बांटने की कोशिश की? सूली पर खून से लथपथ प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार, मुक्ति और छुटकारा दे गया लेकिन हमने प्रभु को क्या दिया? इस बात के बारे में ज़रा सोचें। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो क्रूस कोई साधारण क्रूस नहीं है। क्रूस की आकृति शरीर पर गुदवाना या क्रूस का लॉकेट पहनकर घूमना बहुत आसान है लेकिन वास्तव में उस क्रूस के दर्द को समझना बहुत कठिन है और जो उस दर्द को समझ लेता है वो ही मन फिराकर उद्धार पा लेता है। आशा करती हूँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के इस संक्षिप्त विवरण को आप समझ गए होंगे और आशीष भी पाए होंगे। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।